यहाँ सिग्नल नहीं है इस एरिया में, ये काफ़ी हो गई है देखिए, अभी तक थोड़ी सी रह गई, ज़रा सी रह गई। कितने सेकंड की हो, कितने सेकंड की हो? सेकंड की 4-5 मिनट की चाहिए। मैं तो इंडिया व्यू कैसे करी जाना तो मैं इस बारे में जोर दूँ। हाँ जी हाँ जी। वन हाँ जोर से ना। बस इसके तो भी मेरा बर्ताव बस चार बंदा। नहीं वो सेंड करेंगे, वो सॉफ्टवेयर से होगी ना, वो सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे होगा। Thank you.
still. Heart in your बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैंने अपने मौजूद व्यूअर से ज़िक्र किया था कि अपने इंतहाई मोहतरम जो व्यूअर हैं नदीम भट्ट साहब, उनकी दावत पर जो है वो मरी आया हुआ हूँ और भी साथ दोस्त हैं। तो मैंने आपको ये बताना था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि दी सॉलीट्यूड इज़ दी बेस्ट कंपनी, कि ये जो तन्हाई है ना, ये खामोशी है, ये आपकी सबसे ज़बरदस्त कंपनी होती है। और एक बात जो और आपसे शेयर करनी थी वो ये कि आप जितने भी लोग हैं ना, आप लोग जाते हैं इन जो है ना वो मकामात पे, चाहे वो मरी है चाहे वो शुमाली जो है वो इलाका जाते हैं, तो आप रोड्स को फोकस करते हैं, आप होटल्स को फोकस करते हैं, लेकिन मेरी एक बात आपने ज़रूर जो है वो कंसिडर करनी है कि आप इनके मुजाफाती इलाकों में जाएँ। अब जिस तरह ये जो है वो मरी का वो गाँव है, लेकिन आप यकीन करें कि आप यहाँ पे आकर जो है ना एक मिनट के लिए या एक दिन रहते हैं या एक रात रहते हैं, आप सब कुछ भूल जाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सारा मौका मिलेगा अपनी स्टडी करने का, आपको बहुत सारा मौका मिलेगा अपनी लाइफ को रिवाइव करने का। और लेकिन यह है कि इसके लिए निकलना ज़रूरी है, आप ज़रूर निकलें। यानी दुनिया में जो ट्रेंड है वो तरक्याती जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं ताकि वो अपने आप को वो ट्यून कर सकें और दोबारा अपनी ताकत जमा कर सकें। तो आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान के मकामात हैं, जो पाकिस्तान को खुदा ने खूबसूरती दे रखी है, थोड़ी सी मैंने आपको शुरू में दिखाने की कोशिश भी की है। तो मेरा पैगाम ये है कि आप लाजमी आएँ, अपने जहन को जो है वो हल्का फुल्का करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, इसके अलावा जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ वो आप इन्जॉय करें। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि आप लोग बजाय रश वाली जगहों पे कि जी वो फ़लाँ होटल बड़ा अच्छा है, फ़लाँ चौक बड़ी अच्छी है, फ़लाँ पे फ़लाँ जगह पे खाना बहुत अच्छा है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो इनके मुजाफाती इलाके होते हैं ना, जिसे आप देहात कहते हैं या जिसे आप गांव कह लें, जिसे आप पिंड कह लें, तो वहाँ पे आप जो है वो उतरने की कोशिश करें, वहाँ आने की कोशिश करें। जो ब्यूटी एट इट्स बेस्ट मिलेगी आपको, तो वह यहाँ पे आपको मुजाफात में मिलेगी।
इंतहाई खूबसूरत नज़ारे, इंतहाई खूबसूरत मौसम, इसके अलावा इंतहाई जो है वो खामोशी। यहाँ पे आपको कोई हॉर्न सुनाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको कोई ठेले वाला, कोई आइसक्रीम वाला वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आपके जहन के ऐसे ऐसे गोशे आप पर बेनकाब होंगे कि आप बहुत कुछ जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरा बस यही पैगाम है कि आप लोग जो है वो फैमिलीज़ को टाइम दें, फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलें, और जितनी भी पुरहजूम जगह हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए मुज़ाफ़ात का ज़रूर चक्कर लगाएं, और फिर आप ख़ुद तजर्बा करें कि वहाँ पर क्या पोजिशन होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, और उनके साथ अदल का नहीं बल्कि रहम और एहसान का मामला फरमाए। एक बार फिर अपने मेज़बान नदीम भट्ट, इसके अलावा नूर साहब, इसके अलावा उबैद साहब, इसके अलावा अरशद साहब, जिन लोगों ने इस ट्रिप को यादगार बनाया, इसके अलावा शाह साहब जो है ना वो रबनवाज शाह साहब, इन्होंने हमें जो है ना वो बहुत यहाँ पे फैसिलिटेट किया और हमें अजनबी होने का एहसास नहीं होने दिया। इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मुझे बर्दाश्त करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया।